बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी चाहें तो जिस क्षण कहेंगे उस क्षण हम उनके यहाँ जाकर बात करने को तैयार हैं। हम कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं पार्टी मजबूत हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। अरे आपको किसने कहा कि हम जदयू के हिस्से में नहीं हैं, हम पार्टी में नहीं हैं? अरे हम बिल्कुल हैं, जदयू में ही हैं और बने रहेंगे। ये बोल जदयू के पार्लियामेंट्री अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के थे जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आप अब भी जदयू में बने हुए हैं। तब उन्होंने कह दिया कि वो जदयू को कमज़ोर होते हुए नहीं देख सकते और इसे मजबूत करने की कवायद में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने आज साफ कह दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक उस कॉल का इंतज़ार है जिसके बाद वो तुरंत नीतीश कुमार से मिलने पहुँच जाएंगे। नीतीश कुमार जो भी उनसे बातचीत करना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा उसके लिए तैयार है, लेकिन मुख्यमंत्री जी आप एक बार कॉल करिए तो सही। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनके एक फोन पर वो तुरंत सीएम आवास पहुंचेंगे और जो भी कोई बात है, जिस बात पर भी विचार विमर्श करने की ज़रूरत है उस पर अपनी बातें रखने की वो कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री के कॉल के इंतज़ार में है लेकिन अभी तक बातचीत नहीं हो सकी है। इसके पहले भी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज तक उनसे 5 मिनट बात नहीं की, उन्हें कभी कॉल नहीं किया, उन्हें समय नहीं दिया गया, उनकी बातों को पार्टी के भीतर अनसुना कर दिया गया, जिस वजह से आज जदयू की स्थिति है और जिस वजह से आज वो इन हालातों में बोलने पर मजबूर है। आज एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से अपील की है कि आप मुझे एक बार कॉल करिए, सारी बातें होंगी, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की है, एक फ़ोन कॉल की, छोड़ जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। मैं अपने को मान रहे हैं या अलग हैं? अरे भाई जेडीयू में है, ये कौन कह दिया किसने कि जेडीयू में हम अलग क्यों मानेंगे? हम जेडीयू में हैं, पूरी मजबूती से जेडीयू को मजबूत करने के काम में लगे हुए हैं। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी चाहें तो जिस क्षण कहेंगे उस क्षण हम उनके यहाँ जाकर बात करने को तैयार हैं। हम कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं पार्टी मजबूत हो और इस पार्टी की मजबूती के लिए सबसे जो आवश्यक चीज़ है वह यह है कि ठीक है उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा किसी को पसंद हो ना पसंद हो यह व्यक्तिगत मामला है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस तरह के डील की बात हो रही है उस डील के अनुसार पार्टी न बढ़े बल्कि किसी जनता दल यूनाइटेड के अंदर किसी और व्यक्ति का नाम, कोई अति पिछड़ा समाज का, कोई लव कुश समाज का या किसी समाज का कोई व्यक्ति हो उसका नाम 2025 के लिए आगे किया जाए तो उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल हर तरह से तैयार है और तभी पार्टी मजबूत होगी, वरना पार्टी नहीं मजबूत होगी, पार्टी बर्बाद हो जाएगी। हम यह बोल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि उनको दो बार हो गए, हम अरे भाई हम सम्मान दिए, आप गलत सवाल पूछ, हम करें हम हमारे उपेंद्र कुशवाहा से नफरत हो, उपेंद्र कुशवाहा लायक है ना लायक है इस बात की चर्चा की क्या जरूरत है? उपेंद्र कुशवाहा साधारण मेंबर बनकर पार्टी का रहेगा। हम तो यह कह रहे हैं कि जो डील हुई है जिसके चलते बिहार की जनता आज परेशानी में है, जो लव कुश समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग और बीच के दिनों में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने भी और जो सामान्य जात के लोग हैं इनकी भी बड़ी संख्या इस पार्टी के साथ रही है, तो वैसे तमाम लोग जो आज परेशानी में हैं उस डील का डील के बारे में सुन करके उसके बारे में हम बार बार कह रहे हैं कि उस डील को, कथित डील को समाप्त कीजिए और जेडीयू में किसी भी व्यक्ति को आगे करिए, 2025 के लिए ही करना हो, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दीजिए। हम यह कहा कह रहे कि उपेंद्र कुशवाहा को ले आइए, डील क्या था तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की डील थी क्या? ये यही ये बात कोई हमसे लगातार आरजेडी के लोग बोल रहे हैं, यही डील है, यही डील है और इस डील पर मुख्यमंत्री जी साफ साफ कहे कि नहीं ऐसा डील नहीं है, आगे हम 2025 में तेजस्वी का नाम आगे नहीं करेंगे। अगर नहीं डील हुई है तो यही बात सामने आ जाए। लेकिन संसदीय बोर्ड से आपको